दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब गेमिंग चैनल पे। मैं हूँ आपके साथ नाइट राइडर 001 गेमिंग। तो बहुत दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, लेकिन वापस भी आया हूँ तो अच्छे से आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने COC का गेम खोला है। COC का गेम मैंने बहुत दिनों से खोला नहीं था, खोला था लेकिन वीडियो नहीं बनाया था। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ और एक वीडियो मैं डाल दूँ। पता नहीं कैसा जाएगा, बहुत दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ। तो यहाँ पे मेरी अभी ये जो वार स्टेट्स है, ये आप देख सकते हो, वार लॉग मेरा बहुत ही सही से शुरू है। अभी लेवल 14 पे मेरा क्लैन जाने वाला है। और यहाँ पे मेरे जो मेंबर्स है वो बहुत सही है। यहाँ पे मेरी ये वार कंडीशन है। मुझे करना है अभी लेवल टाउन हॉल 12 पे मुझे अटैक करना है नंबर 1 के बेस पे। तो वो वाला बेस बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि मेरी इसमें मेन वाली ID नहीं है। तो वो वाला बेस थोड़ा सा स्ट्रांग होने वाला है। तो ये मेरी बिल्डर बेस की ID है। बिल्डर बेस की ID इतनी कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैं इतने दिन से बिल्डर बेस पे कुछ अपग्रेड कर नहीं रहा था। एक नया वाला फीचर आया है जो क्लैन कैपिटल का फीचर है, वो बहुत सही आया हुआ है, जिसमें हम सब क्लैन मेट्स मिलके एक तरह से एक एम्पायर बिल्ड करते हैं। तो ये वाला गेम मुझे अभी अच्छा लगने लग रहा है, और भी इंटरेस्टिंग थोड़े थाट्स वो डाल रहे हैं इसमें, थोड़े से एनिमेशंस डाल रहे हैं, थोड़ा सा और कुछ उसमें जितना भी वो ऐड कर रहे हैं उसमें करना चाह रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक्सपांड कर दे रहे हैं। और जो प्लेयर्स का जो एक्साइटमेंट रहता है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो गाइस, यहाँ पे मेरी ये दूसरे नंबर की ID है। यहाँ पे SPS की ID है मेरे पास में, तो मैंने ये ओपन कर लिया है। इसके मुताबिक मेरी जो नाइट राइडर की ID है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ये मैं इसको भी अपग्रेड करूँगा, इसको मैं बहुत आगे बढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कि कैसा अटैक होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे स्काउट कर लेते हैं कि कहाँ से हम अटैक कर पाएंगे। यहाँ से मैं किंग और क्वीन छोड़ दूंगा, जहाँ पे ये दो बैरक्स लगे हुए हैं उसके पास से मैं किंग और क्वीन को ड्रॉप कर दूंगा। देन इधर से मैं ये दो जो एयर स्वीपर के पास में जो एयर डिफेंस है उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अटैक। तो गाइस बताओ ना, यहाँ पे कैसे होगा। मुझे तो लग रहा है कि 2 स्टार तो हो ही जाएंगे, 2 स्टार आराम से मिल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरी जो SPS वाली ID है वो इतनी OP नहीं है। इतने उसमें जो किंग और क्वीन है वो अपग्रेडेड नहीं है, जल्दी मर जाते हैं, डिसेंट है। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने थोड़ा तो ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। अभी ये आगे में जा रहे हैं, यहाँ पे एक आर्चर टावर ब्लॉक हो जाएगा। आर्चर टावर तो टूट गया यहाँ से। अभी यहाँ से हम एयर डिफेंस को तोड़ देंगे। एयर डिफेंस को तोड़ने के बाद में कैनन यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कैनन डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ से एक विजार्ड टावर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। विजार्ड टावर तो हो गया फिर से। फिर बाद में इनके क्लैन के जो CC ट्रूप्स थे वो बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने ये एयर डिफेंस तोड़ दिए हैं। गाइज हम यहाँ से अब EDs को छोड़ेंगे। EDs को छोड़ने के बाद में हम लाइन से लूंस को छोड़ेंगे। एक लाइन में नहीं छोड़ेंगे, एक के पीछे एक नहीं छोड़ेंगे, हम एक लाइन से छोड़ेंगे और एक के पीछे दो ऐसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ से ये इन्फर्नो के पास जा रहा है शायद से। इन्फर्नो टूट जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे अभी एक ED को कैप्चर करने चला है इन्फर्नो टावर। आई थिंक वो मार तो देगा ही। तो गाइज हमारा एक ED गायब हो चुका है, और बाकी के दो, एक और ED गायब हो चुका है। और यहाँ से हम बैटल बीम को छोड़ देते हैं, उसको बूस्टर दे देते हैं रेस्पेल से। और गाइज उसका जो टाउन हॉल था वो बहुत ही स्ट्रांग था, लेवल 5 का टाउन हॉल था। और मेरे जो ट्रूप्स तो स्ट्रांग है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि ये टाउन हॉल 12 है और टाउन हॉल 12 पे इन्फर्नो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और मेरे जो हीरोज़ है वो बहुत वीक थे। तो उसके वजह से मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है ये अटैक में। तो गाइज यहाँ पे ये इन्फर्नो तो सब कुछ ख़त्म कर देगा, आई थिंक सो। यस, जो लगा था वही हुआ। अभी ये बेचारा ये वार्डन क्या करेगा। तो वार्डन भी चले गया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अटैक तो बेहतरीन हो चुका है, 2 स्टार हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे जीत रहे हैं, विनिंग में है हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी IDs भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा गेम प्ले भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी नीचे का एक बेस डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम 44 स्टार से लीड करेंगे और यहाँ पे वॉर हम जीत जाएंगे। गाइज यहाँ ये रहा मेरा ये COC का गेम प्ले। तो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ डिसेंट सा अटैक था, इतना कुछ खास अटैक नहीं था, लेकिन मैंने एक अच्छे से स्ट्रैटेजी तो यूज़ की थी। लेकिन वहाँ पे अगर हीरोज़ अगर स्ट्रांग होते तो हीरोज़ के वजह से हम वॉर जीत सकते थे। और मैंने जो स्ट्रैटेजी वहाँ पे गलत कर दी, वो मैंने लेफ्ट साइड से छोड़ने चाहिए थे,
लेफ्ट साइड से अगर छोड़ता था तो वहाँ पे ईगल आर्टिलरी पहले ही चले जाता था, क्योंकि ईगल आर्टिलरी सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एंड करते हैं। कुछ ट्रूप्स को, कुछ हीरोज़ को हम यहाँ पे अपग्रेड पे लगा देते हैं। अभी ग्रैंड वार्डन को लगा दिया, उसके बाद में क्वीन को लगा दिया, और अभी किंग को भी लगा दूंगा। तो ये ऐसा ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी टाउन हॉल 12 पे, 2 स्टार मिले वॉर में, लेकिन इससे अच्छा बेटर हो सकता था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारी फ्री फायर पर रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। गुड बाय, स्टे ट्यून, स्टे सेफ।